जब आपके चैनल पे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता है तब आपको यूट्यूब की तरफ से एक फीचर मिल जाता है जिसको हम लोग कस्टम लिंक्स कहते हैं, ठीक है। तो मैं आज मेरे भाई आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने चैनल के लिए कस्टम लिंक को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, उस सेटिंग को ऑन कैसे कर सकते हैं। मेरे भाई इसका ये फ़ायदा होता है कि कस्टम लिंक जैसे www.youtube.com/, ठीक है, एंड उसके बाद आपका मन का जो भी बात हो, आप मतलब आप जो भी चाहते हो आप वो लिख सकते हो। जैसे आपका चैनल का ही नाम है, जैसे एग्जाम्पल मेरा ही चैनल का नाम है अनमोल टेक ज्ञान, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ www.youtube.com/अनमोल टेक ज्ञान। तो ये देखने में एक प्रोफेशनल टाइप का लगता है और देखने में अच्छा लगता है मेरे भाई। एंड होता है ना कि कोई भी आपसे चैनल का लिंक मांगता है, जब आपका नया चैनल होता है तो आपको वीडियो का लिंक सेंड कर देते हो, ठीक है। तो आप क्या, तो जब आप ये कस्टम लिंक का ऑप्शन ऑन कर लोगे तो आप अपने चैनल का भी लिंक सेंड कर सकते हो एंड आपका पूरा चैनल आ जाएगा। तो मेरे भाई बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है अनमोल कुमार और आप देख रहे हैं अनमोल टेक ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो मेरे भाई अनमोल टेक ज्ञान चैनल पर आए हो तो पूरा ज्ञान लेके जाना, क्योंकि यार आधा अधूरा ज्ञान काम नहीं आता। तो चलिए मेरे भाई फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई आपको अगर कस्टम लिंक ओपन करना है तो आपको अपने फ़ोन के किसी ब्राउज़र पर आ जाना है एंड आपको वहाँ पर सर्च करना है youtube.com, ठीक है। तो youtube.com लोड हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह ऑप्शन आएगा एंड आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके ये डेस्कटॉप साइट को यहाँ से ऑन कर लेना है। अगर आपके पास मेरे भाई लैपटॉप या कंप्यूटर है तो मेरे भाई आपको डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन नहीं पड़ेगा ज़रूरत, क्योंकि यार तो पहले से ही होता है। ऑन कर लोगे तो सबसे पहले ये आपको लेफ्ट में जो थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है टच कर लेना है। टच करने बाद मेरे भाई आपको नीचे आना है एंड यहाँ जो मेरे भाई आपको सेटिंग ऑप्शन दिख रहा है आपको इस सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। मेरे भाई सेटिंग पे क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिख रहा है, शो हो रहा होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन दिख रहा है, चैनल स्टेटस एंड फीचर। तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर ही क्लिक कर लेना है, चैनल स्टेटस एंड फीचर वाले ऑप्शन पर। तो चैनल स्टेटस फीचर ऑप्शन वाले पे क्लिक करने के बाद मेरे भाई आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सबसे नीचे में आप आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मेरे भाई कस्टम यूआरएल का। आप देख पा रहे हो यहाँ पे मेरे भाई कस्टम यूआरएल का ऑप्शन आता है एंड यहाँ पे ये मेरे भाई बता रहा है यू आर एलिजिबल फॉर ए कस्टम यूआरएल क्लेम इट हियर, मुझे बोल रहा है कि आप यहाँ से क्लेम कर सकते हो। क्योंकि तो यहाँ से आपको इनेबल कर लेना है। तो इनेबल करने के बाद ये आपको एक दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। तो मेरे भाई पेज जब लोड लेगा तो आपको डेस्कटॉप मोड पर फिर से इसी तरह से ऑन कर लेना है एंड आपको थोड़ा जूम करना है, ठीक है। तो जैसे मेरा यूज़र आईडी अभी ये है, ओके, एंड अभी चैनल आईडी का मेरा भी यही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर थर्ड में ऑप्शन आ रहा है कस्टम यूआरएल, ठीक है। तो आपको यहाँ से कस्टम यूआरएल पे ये जो ऑप्शन आ रहा है क्लिक हियर का, आपको उस पर टच कर देना है, हियर पे टच कर देना है, ठीक है। तो ये लोड ले रहा है। तो देखिए अब ऑप्शन आ रहा है गेट ए कस्टम यूआरएल। तो यहाँ पर बोल रहा है हियर्स हाउ यू विल लुक ऑन यूट्यूब, यहाँ एक ऑप्शन दे रहा है कि youtube.com/c/anmoltekgyan, आप ऐसे कर सकते हो। ऑप्शन दिख रहा है मेरे भाई आपको यहाँ पर चेंज यूआरएल पर टच कर देना है। चेंज पे टच करोगे तो आपको ऑप्शन आएगा कंफर्म करने का। तो क्या करना है मेरे भाई, आपको यहाँ से कंफर्म कर लेना एंड ये वर्क कर रहा है, ठीक है, एंड ये कंफर्म हो चुका है। तो मेरे भाई ये मेरा चैनल जो कस्टम यूआरएल चैनल था ये क्रिएट हो चुका है, ठीक है। चलिए अब हम अपने अपना ही चैनल को सर्च करते हैं गूगल पे, ठीक है। हम अपना चैनल को गूगल पे सर्च करते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं www.youtube.com, ठीक है, /c/anmoltekgyan, ठीक है। सर्च कर लेते हैं कि ये हो रहा है या नहीं, काम कर रहा है, ठीक है, अनमोल टेक ज्ञान। चलिए मेरे भाई हम गूगल पे सर्च कर लिए। मेरे भाई जैसे हम गूगल पे सर्च किए, जैसा कि आप देख रहे हो कि ये मेरा चैनल आ चुका है, ठीक है। तो मेरे भाई यही था इस वीडियो में कि आप अपने चैनल के लिए कस्टम यूआरएल को कैसे इनेबल कर सकते हो एंड आप एक प्रोफेशनल ढंग से आपका लगता है एक लिंक देखने में। तो मेरे भाई आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको मेरे भाई ये वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ प्लीज़ एक बहुत बड़ा सा लाइक कर देना गाइस, बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना एंड मेरे भाई आपके कॉन्टैक्ट में या कोई भी फ्रेंड है यूट्यूबर अगर बनना चाहता है तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। तो मेरे भाई मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा।